क्या कहना चाहेंगे वार्ड की जनता को? हम अपने 3 नंबर जनता को बहुत बधाई देंगे कि जिन्होंने मुझे बहुत सारी वोटों से मुझे विजय बनाए हैं। मैं अपने सारी जनताओं के ही शुभकामना दूंगी। आशा मातो प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार से हमारे पत्नी के ऊपर हमारे ऊपर विश्वास करके जनता ने जिताया है, मैं उसके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। जहाँ तक होगा सभी परिवार को मैं विकास करके दिखाऊंगा। मनोज कुमार, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 44। आप बताएं, वार्ड की जनता आपको चुनी है वार्ड पार्षद के तौर पर, क्या कहेंगे? सबों का सेवा करेंगे, आपको मौका मिला है और अच्छे से सबका सेवा करेंगे। अभी क्या परिचय? पूनम, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनका बहुत आधार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। वार्ड नंबर जनता की जो भी उम्मीदें हैं, वार्ड नंबर 19 की जनता की जो भी उम्मीदें हैं मुझसे, उस पर मैं पूरी तरह से खड़ी उतरने की कोशिश करूंगी और पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगी। जो भी काम मेरे पति द्वारा अधूरा रह गया था वो पूरा करने का कोशिश करूंगी। क्या कहेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या करने की आवश्यकता? वार्ड नंबर 13 का जनता को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 4 बार, 2002 से मैं पार्षद था और इस बार महिला सीट हो जाने के कारण मेरी धर्मपत्नी आशा महतो जी को वार्ड नंबर 13 का जनता आशीर्वाद दिए हैं। मैं यही कहूंगा कि जो भी छोटा मोटा काम बचा हुआ है सभी को करेंगे और वार्ड नंबर 13 में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। वार्ड पार्षद के रूप में जनता ने हमें नहीं चुना, जनता ने अपने आप 39 नंबर के हर एक जनता जो है ना चुनाव जीते हैं। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब लोगों के लिए कितनी उम्मीदें बढ़ गई आपसे? लोगों से काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई है। मैंने इतना ना पहले कर दिए हैं और आशा करके मैं उनको चुन के लाया है, इसलिए उनको काफ़ी उम्मीद बढ़ा है। क्या प्राथमिकता रहेगी सर पहले? पहला प्राथमिकता मेरे यहाँ जल निकासी का जो रहा है, जल का जो बहुत बड़ा है, जल निकासी समस्या है, उसको हम आगे निकालेंगे। वार्ड नंबर 39 से ना? वार्ड नंबर 39 गुलाब भाग राकेश कुमार राय। वार्ड नंबर 19 के सभी जनता को दिल से मेरा आभार है प्रकट करता हूँ। और मैं पूर्व में भी वार्ड पार्षद 19 का हूँ और जो भी समस्या अधूरा रह गया, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, मैं पहला प्राथमिकता ड्रेनेज सिस्टम को सही करने का मैं निर्णय लिया। आपकी पत्नी जीती? इस बार मेरी पत्नी जीती, महिला सीट होने के कारण मेरी पत्नी कुमारी खुशबू जीती। कितने मतों से जीते? हमको 149, लगभग 149 वोट से जीते। टोटल कितना मत? 617। से आपने हैट्रिक मारा है, लगातार तीसरी बार जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये हैट्रिक जो है वहाँ के लोगों का है जिन्होंने हमको अपने दिल में रखा है और अपना मान सम्मान सब दिन दिया है वार्ड का विकास के लिए। उनको लगा कि इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है, ये उनकी जीत है। लगातार तीसरी बार जीते हैं, जनता का पूरा विश्वास। जी जी, ये भरोसे का जीत है। हम लोग जो सेवा करते हैं समाज में, उस भरोसे का जीत है जी। क्या प्राथमिकता रहेगा आपकी? प्राथमिकता रोड, नाला, लाइट, बिजली, स्वास्थ्य, यही सब जो जो मूल सुविधा है नगर निगम का, उसका बहुत प्राथमिकता रहेगा। वार्ड को और विकसित करना है, बिहार राज्य में इसको मतलब कि प्रथम स्थान पे लाने का मेरा अपना सपना है इस वार्ड नंबर 6 को। कितने वोट से जीते हैं? 250 वोट से जीते हैं। क्या परिचय? अर्जुन सिंह, वार्ड नंबर 6। वार्ड पार्षद के तौर पर चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं अपने पूरे वार्ड नंबर 40 के समक्ष परिवार को धन्यवाद करता हूं कि 25 साल का जो घर था उस घर को मेरे वार्ड नंबर 40 के सारे परिवार ने तोड़ा और भरपूर समर्थन किया और कोई भेदभाव नहीं रखते हुए हमें एक समान देखा गया। उसके लिए मैं अपने वार्ड नंबर 40 के सारे परिवार को धन्यवाद करता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारे वार्ड में जो आज तक 25 साल में विकास के नाम पे सिर्फ विनाश हुआ है, उसको लेकर हम लोग देखेंगे कि हाँ कहाँ पे हमारे परिवार में दिक्कत है। किसी को अगर 40 वार्ड में किसी को भी दिक्कत है तो 12 बजे रात में हम उसके लिए खड़े रहेंगे और हम अपने वार्ड को जो दुल्हन के तरह रखेंगे, कहीं पे दिक्कत होगा हमेशा खड़े रहेंगे। मोहम्मद गुलाब हुसैन, वार्ड नंबर 40। सबसे पहले तो नगरवासियों को, भाई एवं बंधुओं को मैं कल्याणी राय प्रणाम करती हूँ।
और यही कहना चाहती हूँ जो आज हमारी नहीं हमारे नगर के सभी जनमानस का जीत हुई है, हमें बहुत खुशी मिल रही है जो हमें सभी नगरवासियों ने सेवा करने का मौका दिया। और ये नए साल में नया विकास होगा नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। परिणाम आ चुका है, आप बताएं वार्ड नंबर 4 से जीते हैं, जीत का श्रेय किन्हें दें? पूरे जनता को जाता है जीत का श्रेय। राजीव राय तो एक मामूली इंसान है, यदि जनमानस हमारे साथ नहीं रहती तो हम नहीं जीत पाते। निकट प्रवीण 1285, हम 200 वोट से लीड किए। 232 से जनता आपको चुनी है वार्ड पार्षद के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? हम पूरे जनता के प्रणाम करते हैं, पूरा जनता के तरफ से हमको संयोग मिला है कि हम ये पद पे खड़ा हुए हैं। लोगों को कितनी उम्मीद है अब आपसे? हमसे बहुत उम्मीद है, हम हर उम्मीद को हम पूरा करेंगे, उम्मीद पे खड़े होंगे। क्योंकि आप पहले से समाज सेवी रहे हैं, वार्ड नंबर 11 की जनता आपको चुनी है, आपकी पत्नी बनी वार्ड पार्षद, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम वार्ड नंबर 11 की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि धन्यवाद के पात्र वो हैं इनके सहयोग से आज सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त हुआ है 1135 मतों के अंतर से। इसलिए हम पूरे वार्ड नंबर 11 की जनता का आभारी हैं, और अनवरत जो मेरा पहले सेवा था अनवरत मेरा सेवा जारी रहेगा, ये हम विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। ये हमारी जीत नहीं, वार्ड नंबर 22 की जनता की जीत है, जिन्होंने अपना समर्थन प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते आई है, और उसी आशीर्वाद के बदौलत और उसी के उन्हीं लोग के मेहनत के बदौलत आज हमारी जीत हुई है और अपार मतों से जिताया है। सभी जनताओं यानी हमारे सभी अभिभावकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने वार्ड नंबर 22 के विकास के लिए हर कार्य जो भी विकास के लिए होगा मैं बहुत ही अच्छे से उसको निर्वहन करूँगा, और वार्ड नंबर 22 में कभी किसी से भेदभाव हमारा नहीं रहेगा, सबको एक समान देखेंगे। जितने भी हमारे वार्ड नंबर 22 की जनता जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं मेरे में कहां कमी आई, जो कुछ वोट हमें नहीं आया मैं अगले बार उस वोट को भी अपने ओर कन्वर्ट करूँगा विकास कार्य करके। जीत का श्रेय हम अपने जनता को वार्ड नंबर 3 के समस्त जनता को दे रहे हैं, बहुत सहयोग दिए, अब आगे हम यही उम्मीद करते हैं और हमको सहयोग करें, हम आगे बढ़ने का जहां तक हो सकेगा विकास करेंगे। जी आप बताएं वार्ड नंबर 3 से जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वार्ड नंबर 3 की के सभी जनता सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी शुभचिंतक हैं शहर में उनको भी धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोगों का भी रहा हमेशा सहयोग किए हैं, तथा कहना क्या है, वार्ड नंबर 3 में जो विकास चल रहा था अभी विकसित वार्ड के कगार पर है, उसे विकसित करेंगे यही लक्ष्य है, और हर दृष्टिकोण में मेरा वार्ड अच्छा हो या रखेंगे, हमेशा ख्याल रखेंगे इस बात का। कितना वोट मिला, कितने अंतर से जीते? 167 वोट से विजयी रही है दीपा भारती। बड़े भाई और हमारे बड़े भाभी डिप्टी मेयर कैंडिडेट जो है जो भारी मतों से विजय बनी है पल्लवी गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपार मतों से अपना जीत दर्ज किया है, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वार्ड नंबर पूर्णिया नगर निगम हमारी भाभी जी डिप्टी मेयर जो बनी है बहुत ही अच्छे से अपना कार्य को निर्वहन करेगी, और मुझे इतना तो पता है कि वो एक अच्छी उम्मीदवार थी और जनता का प्यार मिला, और वो अपना जनता का प्यार के बदले आज इस मुकाम पे है, और उनका सबसे बड़ा श्रेय और पूर्णिया नगर निगम की जनता को जाता है, और साथ में हमारे बड़े भाई भोला शाह जो कि काफ़ी दिनों से राजनीति करते हैं, और ऊपर वाला का दुआ देखिए कि आज उनका राजनीतिक करियर सफल रहा, और उनका देन है जो आज भाभी जी हमारी डिप्टी मेयर बनी है, और पूर्ण विश्वास है कि वार्ड नंबर पूरा पूर्णिया में बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया जाएगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वार्ड के सभी पार्षदों को लेकर के हमारे बड़े भाई भोला भैया एवं भाभी जी लेके चलेंगे और सभी का कार्य अच्छे से निर्माण करेंगे। ये समस्त जनता का आशीर्वाद है, और कर्म का फल जो है मीठा होता है, तो कर्म किए थे इसीलिए फल मिला, ये समस्त जनता का आशीर्वाद और प्यार है। कितने दिनों से वार्ड में संघर्ष कर रहे थे, जनता का सेवा कर रहे थे, ये 4 साल का प्रतिफल है आपके साथ। आप वार्ड में पहली बार वार्ड पार्षद बनी है आपकी माँ, अब क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी वार्ड में, किस कार्य को पहले करना है? जी प्राथमिकता सबसे पहले स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, जो अपने वार्ड में जो काम बचा हुआ है उसको सौंदर्यीकरण वो होना चाहिए, यानी कि जहाँ तक जो भी काम वार्ड में काम के लायक है काम होना चाहिए,
वो काम होगा। अर्बन पीएससी तो आपके वार्ड में पहले से बनी हुई है? जी जी, कुछ तो बना हुआ है, बहुत नहीं बना हुआ है, बहुत कम काम हुआ है पहले, हम वादा करते हैं। आपके वार्ड में जल जमाव की भारी समस्या है बरसात के समय में, उसके लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, ये तो नगर निगम का काम है, नाला बनेगा, उसके लिए हम लोग जो है प्रयत्न कोशिश करेंगे कि नाला बने, रोड बने, जहाँ जो काम है वो काम हो। किस वार्ड से आप विजय घोषित हुए? 26 नंबर से। आपकी माँ है? जी, मेरी माँ है रेणु मिश्रा। कितना वोट मिला है? 16 वोट से विजय। जनता का धन प्राप्त है कि मुझे तन मन धन से जनता इतने मतों से जिताया। मैं जनता को चरण स्पर्श करता हूँ कि 15 साल का जंग को तोरा और युवा को जिता के भेजा। पहले मेरा सीट अति पिछड़ा था, मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा था, इस बार जनरल महिला हुई, मेरी बीबी पूनम देवी भारी मतों से जीती है, मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप पहले भी समाज सेवी रहे हैं, अब कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? मैं विगत 15 साल से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कोरोना काल में जो भी हमसे हो रुपा हमने काम किया है और आगे भी अच्छा काम करूँगा। मैंने 19 काम मैनोफेस्टो में खुश की बात की जनता के लिए रखा हूं और मैं पहल करके वो 19 का 19 काम मैं करूंगा। तमाम जो है वार्ड वासियों को जो है सो मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत जो है सो धन्यवाद। खास तौर से महिलाएं वर्ग, माताएं, बहनें, हमारे जो है जिला युवा साथी, उन सभी लोगों ने जो है तन मन जो है धन से जो है हमारे साथ जिला सहयोग किया और हमारे जो है बड़े बुजुर्ग बिना जो है उनके आशीर्वाद का जो है यह यात्रा जो है सो सफल नहीं हो सकती थी। तो इसमें जो है तमाम जो है सो वार्ड वासियों को जो है सो परिवर्तन के लिए बहुत बहुत जो है सो धन्यवाद। आप समाज सेवा के क्षेत्र में पहले से भी लगे हैं, लोगों की उम्मीदें अब कितनी बढ़ गई है? जी बिल्कुल, हम जो है सो महसूस कर सकते हैं कि अब जो है हमारे कंधे पे जो है एक बहुत बड़ी जो है सो जिम्मेवारी आ चुकी है और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है हम लोग लगातार 10 वर्षों से जो है सेवा देते आ रहे हैं। श्री राम सेवा संघ परिवार का जो है हम एक जो है अंग के तरह जो है सो काम कर रहे थे और जो है आगे भी जो है सो लगातार काम जो है सो करते रहेंगे। परिचय बता। आतिश सनातनी। मेरा जनता ही जीता है इस बार, उन्हीं का चुनाव था और हम लोग सब मिलकर पूरा मेहनत हम भी किए हैं, उसके कारण आज समाज में हमको उस जगह मिला है। कितना वोट से जी? अभी कितना वोट से? 600 अभी बताया नहीं क्लियर जी। बताएं, आप पहले से भी जनता के बीच में रहे हैं, कई वर्षों से आप लगे हुए थे वार्ड? देखिए, वार्ड नंबर 24 की जनता विकास से काफ़ी अपेक्षित थी, विकास के मुद्दा पर वोट दिया और मेरी धर्मपत्नी राखी देवी वार्ड नंबर 24 से वार्ड पार्षद बनी है। हम वार्ड नंबर 24 के आम जनता को बधाई देते हैं कि सभी जाति सभी वर्ग के लोगों ने वोट करके जिताने का विकास के मुद्दा पर काम किया है। सर, किन किन मुद्दों पे आप जो है काम करेंगे? हाँ भैया, मुख्य मुद्दा है वार्ड नंबर 24 का श्रम एरिया है, वहाँ जल निकासी का प्रमुख मुद्दा है, सड़क है, नाला है, आवास योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, लाइट का समस्या है, ये सब मुख्य समस्या है वहाँ की, इसी समस्या पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है सर, अब नया साल भी है, चूंकि खुशी दुगुनी हो गई है, तो जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि सब लोग साथ दीजिए, हम लोग निश्चित रूप से विकास की हर कसौटी पर